आज महाराज हरि सिंह जी का जन्म दिवस है, उसके उपलक्ष्य में आप क्या कहना चाहते हैं उसको, मतलब कि किस तरीके से ले रहे हैं, कितनी खुशी एहसास हो रहे हैं आपको? आज हम इस पीर पंचाल के खेतर में एक स्थान मोहगला है डिस्ट्रिक्ट राजौरी का, वहाँ हम विराजमान हैं। और आपका जो प्रश्न पूछा गया है उसका उत्तर देते हुए, महाराजा हरि सिंह की छुट्टी को बनाते हुए हम बड़ी खुशी महसूस कर रहे हैं। महाराजा हरि सिंह जी हमारे जम्मू कश्मीर के महाराजा रहे और उनको 1925 से लेकर के 1947 तक राज्य करने का अवसर प्राप्त हुआ। वह शांति प्रिय राजा थे। जब वो राजा बने, सबसे प्रथम उन्होंने जम्मू कश्मीर से छुआछूत को दूर करने के लिए सारे वर्गों की कन्या को नव दुर्गा के रूप में पूजन किया। और महाराजा हरि सिंह ने ऐसे क्रांतिकारी कार्य किए जो सराहनीय हैं। उन्होंने बाल विवाह, वेश्यावृत्ति और तथा जो बच्चों में तंबाकू पीने की आदत बन गई थी उस पर पाबंदी लाई और मतलब इस बुराई को दूर करने का प्रयास किया। महाराजा हरि सिंह ने शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए 5वीं कक्षा तक निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करने की घोषणा की। महाराजा हरि सिंह ऐसे महाराजा थे जम्मू कश्मीर के जिन्होंने सारे वर्गों के लिए एक समान सोचा। वो कट्टर सनातनी थे। कट्टर सनातनी होते हुए भी उन्होंने सारे धर्मों जातियों के लोगों को साथ में चलाया और अपने समय में सब लोगों ने उनका साथ दिया। महाराजा हरि सिंह ऐसे राजा थे, एकमात्र ऐसे राजा जम्मू कश्मीर के थे जो इंग्लैंड में जा कर के गोल मेज कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लिया। और महाराजा हरि सिंह ने जम्मू कश्मीर में सद्भावना और सांप्रदायिक को मतलब इकट्ठा चलाया और सांप्रदायिकता कोई दंगे यहाँ नहीं हुए और सारे लोग जो है वो महाराजा हरि सिंह की बात पर चलते रहे। आज मुझे ये खुशी हो रही है कि भारतीय सरकार ने महाराजा हरि सिंह के विषय में छुट्टी का जो एक प्रावधान दिया हमको, हम हमेशा के लिए महाराजा हरि सिंह की छुट्टी बड़ी धूमधाम से मनाया करेंगे। और ख़ासकर हम जम्मू कश्मीर के लोगों को ये एक दिशा देने के प्रयास करेंगे कि हम सबको सद्भावना बना के चलना है, अपना भाईचारा बना के रखना है, जैसा कि महाराजा हरि सिंह ने शुरुआत की थी। जय हिंद, जय भारत।